नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की विधायक रह चुकी अलका लांबा अब कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। अलका लांबा के बड़बोड़ेपन और भाषाई स्तर से तो हर कोई वाकिफ है, जिनका इस्तेमाल अलका लांबा अक्सर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए अपने बयानों और ट्वीट में करती रहती है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर अरेस्ट अलका लांबा टॉप ट्रेंड कर रहा है। इतना नहीं, अलका लांबा पर FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है। पहले आपको अलका लांबा का वो वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। खून नहीं खोलता आपका, क्योंकि पानी हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी, शर्म आती है, थूकती हूँ आप पर, थूकती हूँ, क्योंकि ये बेटी अपनी माँ और अपने बाप पिता के साथ आपके दरवाजे पर आई थी कि आपका बलात्कारी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसका गैंग रेप किया है। पुलिस FIR नहीं कर रही, उसके पिता को पीटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ, थूकती हूँ आपके मुंह पर, लानत देती हूँ आप पर कि उस बेटी को आपको जो घर के अंदर बुलाकर अपनी बेटी कहकर उसे न्याय का विश्वास दिलाना चाहिए था उसकी माँ उस पिता को, आज आपने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। योगी आदित्यनाथ, लानत है आप पर, थूकती हूँ आपके मुंह के ऊपर। यही नर्क, यही स्वर्ग है। हाय लगेगी उस पिता की जो इस दुनिया में नहीं, और उस माँ की और उस बेटी की जिसका बलात्कार हुआ और आप अपने विधायक को बचा रहे हैं। इस वीडियो से आप कांग्रेस नेता अलका लांबा के घटिया भाषा इस तरह का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि वीडियो तो पुराना है, जिसे अप्रैल 2018 को ही अपलोड किया जा चुका है, लेकिन इस वीडियो को अलका लांबा ने अपनी शेखी बघारने के लिए दोबारा शेयर किया और लिखा कि वॉच, अलका लांबा ने कहा मोदी योगी तुम्हारे मुंह पर थूकती हूँ, तुम दोनों नपुंसक हो ऑन यूट्यूब। इस वीडियो को दोबारा शेयर करके अलका लांबा ने उड़ता हुआ तीर अपनी तरफ ले लिया, क्योंकि उनके इस वीडियो के शेयर करते ही ट्विटर पर घमासान शुरू हो गया और अरेस्ट अलका लांबा ट्रेंड करने लगा। किसी ने लिखा कि आपत्तिजनक भाषा नहीं है देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की बातें बोलना, यही कांग्रेस पार्टी होती तो अब तक जेल में डाल चुकी होती, पार्टी को खुश करने के लिए बढ़िया से चाटुकारिता कर रही है। तो वह किसी ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह के अपशब्द बोलने पर इस पर कार्रवाई नहीं होगी क्या। इसके बाद ट्विटर पर अरेस्ट अलका लांबा ट्रेंड करने लगा। विवाद बढ़ता देखकर खुद का वीडियो दोबारा शेयर करने वाले अलका लांबा ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि मेरा ये वीडियो 2 साल पुराना है, जिसे अब तक लगभग 1 करोड़ लोग देख चुके होंगे। जब अंधभक्तों को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो वो ये पुराना वीडियो FIR के लिए खोज कर लाए। बीजेपी महिला नेता ने मेरे खिलाफ फर्जी ट्वीट किया, फिर डरकर हटा लिया। मैं 2 साल बाद भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। इस तरह से अपना खुद का वीडियो खोज कर लाने वाली अलका लांबा ने बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। खैर, अब इस मामले को लेकर अलका लांबा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज हो गया है। ये FIR उत्तर प्रदेश राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति वर्मा ने दर्ज करवाई है। इस FIR में अलका के उस ट्वीट को आधार बनाया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिन बलात्कारियों पर CM ढोंगी, MP साक्षी, होम मिनिस्टर शाह, PM मोदी जी का आशीर्वाद हो, आखिर उसे कोई भी अदालत अधिक समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकती। हाईकोर्ट के जज ने ऐसा कर बस अपनी जान बचाई है। महिला मंत्री स्मृति ईरानी को अपने इस नेता की रिहाई मुबारक। इस ट्वीट को 22 मई को किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। प्रीति वर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अलका लांबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 25 मई की रात 12:07 पर एक वीडियो अपलोड कर PM मोदी और CM योगी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने अपने एक और दूसरे ट्वीट में भ्रामक आरोपों के साथ हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर भी सवाल खड़े किए, जो कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत आता है। बता दें कि इस मामले को लेकर IPC की धारा 504, धारा 505 बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इतना नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने भी अलका लांबा के खिलाफ उन्नाव पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। ऐश्वर्या का भी यही आरोप था कि अलका लांबा ने भ्रामक ट्वीट करके झूठी जानकारी फैलाई है। अलका लांबा ने जो घटिया ट्वीट किया उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।